हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। जैसा कि फिगर में हमें दिख रहा है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एम मास वाला कोई ब्लॉक रखा हुआ है और अगर ये एंगल थीटा ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो जाए तो उस केस में ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा और वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज गोइंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब वो जब नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अब भी उसका अपोज कर रहा है लेकिन उसको रोक नहीं सकता। व्हेन ए प्लेन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा, किसी प्लेन को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए अगर हम रख दें विच इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, थीटा एंगल अगर अल्फा जो हमने लिया था एंगल ऑफ रिपोज उससे बड़ा हो जाए तो उस केस में बॉडी स्लाइड करेगी नीचे की तरफ। द बॉडी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए, तो बॉडी ए एक्सेलरेशन के साथ स्लाइड करेगी। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द नेट फोर्स ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज, अब इक्वेशन लिखनी है हमें कि किस तरह से यहाँ पे बॉडी नीचे जा रही है, क्या फोर्स लग रही है। अब एम अगर बॉडी का मास है और ए उसके अंदर मान लिया हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है डाउनवर्ड, तो जब कोई बॉडी मूव करने लग रही होती है और हमें इक्वेशन लिखनी है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को देखो, एक फोर्स है एम जी साइन थीटा और दूसरी अपोजिट फोर्स है स्मॉल एफ, बॉडी का मोशन है डाउनवर्ड। तो इसको एक ट्रिक से ऐसे याद रखो, जिधर मोशन हो रहा है उस फोर्स को बोल दो बड़ा फोर्स और जिधर मोशन के अपोजिट जो फोर्स लग रही है उसको बोल दो छोटा फोर्स। तो हम इक्वेशन लिखेंगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू एम ए, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो यहां से क्योंकि हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा और एफ, एफ क्या होता है, एफ होता है म्यू आर, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, एफ होता है म्यू आर। तो हम लिख सकते हैं एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर। और अगर फिगर से देखें आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एम जी कोस थीटा के इक्वल, तो आर की जगह हम पुट कर देंगे एम जी कोस थीटा, हमें मिलेगा एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू और आर जो था उसकी जगह पे आ गया एम जी साइन थीटा, एम जी कोस थीटा, एम जी को कॉमन लिया, एम ए इक्वल टू एम जी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह गया साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, एम से एम कैंसल हुआ, ए की वैल्यू हमारे पास आई ए इक्वल टू जी टाइम साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जो बॉडी के अंदर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन पैदा हो गई है। और इस इक्वेशन से हमें क्लियरली दिख भी रहा है जो ए की वैल्यू है वो छोटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जी से।